हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन कुछ प्राकृतिक वस्तुओं पर जो प्रकृति से प्राप्त हैं उन पर निर्भर करता है, जिसमें जल महत्वपूर्ण संसाधन है। इसीलिए कहा जाता है जल है तो जीवन है। जिस तरह से जल का दोहन हो रहा है, भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है, क्या हमारा भविष्य आज से अलग होगा या आज जैसे ही होगा? ये सोचने का विषय है। साथ ही जनसंख्या का दबाव, भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी की उन्नति, पर्यावरण निम्नीकरण और जल अभाव का दिन प्रतिदिन होना इस बात का गवाह है, इस बात का साक्षी होगा कि भविष्य में इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग और प्रदूषण के कारण तथा घटती आपूर्ति के कारण हमारे यहाँ जो बड़ी समस्या दिखाई देगी वह जल को लेकर ही होगी। आज जल आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बन गई। हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत कम हैं। पृथ्वी पर लगभग 70% जल प्राप्त होता है, जिसमें से अलवणीय जल अर्थात पीने और काम में आने वाला जल 3% ही पाया जाता है, जिसे अलवणीय जल भी कहते हैं। वास्तव में अलवणीय जल का कुछ भाग ही मानव उपयोग में लाता है। अब लवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर राज्यों के बीच विवाद, देशों के बीच विवाद, संप्रदायों के बीच वाद विवाद, लड़ाई झगड़े एक आज के समाज में चर्चा का विषय बन गए हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गया है। तो हम इसी विषय में आगे पढ़ रहे हैं कि भारत में जल की क्या स्थिति है। अब यदि हम देखें तो भारत में विश्व के धरातलीय जल का लगभग 2.45% भाग, जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त जल की कुल मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः प्रतियोग भौम जल 1869 घन किलोमीटर जल है और इसमें से केवल 60% जल लाभदायक उपयोग के लिए लाया जा सकता है। और इस देश में प्रकार भारत देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो देश में कुल उपयोगी जल संसाधन है वह 1122 घन किलोमीटर है और लाभदायक उपयोगी जो जल है वह केवल 60% ही जल है, अर्थात अलवणीय जल जिसे बोलते हैं। अब धरातलीय जल स्रोत कौन कौन से हमारे यहाँ प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं? भारत में प्रकृति ने मुक्त हस्त से बहुत सारे संसाधन हमें दिए हैं, जिनमें जल के अनेक स्रोत भी हैं, जिसमें वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियां, झीलें हैं, तलैया हैं, तालाब हैं। यहाँ पर कुल नदियों की जो लंबाई, कुल नदियों और उनकी सहायक नदियों की लंबाई 1.6 किलोमीटर है और कुल नदियां जो यहाँ पर हैं कुल मिलाकर वो 10,360 नदियां हैं, जिनका औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर का अनुमान किया जाता है। फिर भी स्थलाकृति, जलीय अन्य दबावों के चलते धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर अर्थात 690 घन किलोमीटर अर्थात 32% ही इसका उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रभाव, उसके जल ग्रहण के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वार्षिक वर्षा पर निर्भर करता है। इसे आप भारत भौतिक पर्यावरण में पिछले साल 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। भारत में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है। वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी है और भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु में जल ग्रहण की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वहीं गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदियों में जल ग्रहण क्षमता अधिक है, अर्थात वर्षा का जल वहाँ पर ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत। ये नदियाँ यद्यपि देश में कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग में पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% भाग पाया जाता है।
दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है। अर्थात वहां पर सिंचाई के लिए अभी भी बांध नहीं बने हैं, बांध बने हैं तो कम बने हैं, इसलिए बाढ़ जब आती है तो सारे क्षेत्र को बहाकर पानी ले जाता है। इसलिए वहाँ की स्थानीय जो जनता है, रहने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वहाँ पर बांध बने, सिंचाई के लिए अच्छे साधन उपलब्ध हो जाएं, तो शायद वहाँ पर वो जो वार्षिक जल प्रवाह है वो थोड़ा रुके और वहाँ पर औद्योगिक विकास भी संभव हो सके।